हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कल आप सभी को अपडेट मिला ही है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड और सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि एडमिट कार्ड का अगर हमको सेंटर दो दिन पहले पता चलेगा कोड के माध्यम से, तो फिर हम पहुंचेंगे कैसे। देखिए, आपको सिटी तो पता ही चल जाएगी ना। मान लीजिए अगर आपने पटना भरा होगा, जॉब की प्रायोरिटी पूछी है जो 3 जिला था, बट उसी के अकॉर्डिंग बोलो सेंटर भी देंगे। तो आपको इसलिए एडमिट कार्ड से रिलेटेड तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि एडमिट कार्ड जो है उस पर अगर हमको 2 दिन पहले पता चलेगा तो हम जाएंगे कैसे। आपको ये तो पता ही चल जाएगा ना कि आपका जो है पटना, आपने जो भी भरा होगा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जो भी वहाँ पे 38 जिला में से जो भी आपने भरा है वो आपको 10 दिन पहले पता चल जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। हाँ, बट ये है कि सेंटर जो है वो आपको 2 दिन पहले पता चलेगा, वो भी कोड के माध्यम से। तो ये चीज आप इसका डाउट क्लियर कर दीजिए। बाकी हम देखने वाले हैं 30 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि आप जो है इसको अपनी एक सीट कंफर्म करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी जो है काफी मेहनत भी कर रहे होंगे। एंड अदरवाइज जो लोग वहीं के होंगे, बट अगर कहीं किसी का दूर चला जाता है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि हम इसमें एग्जाम में जो है धांधली को कम करना चाहते हैं, कम क्या खत्म ही करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हम गोपनीय रखेंगे। और जैसा कि आपका सेंटर हो गया, या फिर उसी, क्योंकि कई बार होता है कि जिस जिले के बच्चे होते हैं उसी में अगर एग्जाम सेंटर पड़ जाता है तो वहाँ पे लोग जानते भी हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं धांधली और सेटिंग जो करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को भी खत्म करने के लिए वो आसपास के जिले में भी भेज सकते हैं, ठीक है। बट आपको जिला पहले पता चल जाएगा। और रही बात सेंटर की, तो सेंटर आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। फिलहाल जो है मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, इसी से आप लोग परेशान थे। तो आप एडमिट कार्ड से परेशान मत होइए। वैसे भी पेपर जब देने जाना ही है तो क्यों सोचना है, ठीक है, जाना है तो चले ही जाना। बट उसके पहले आप 30 दिन की तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि समय भी नहीं है। अगर मुश्किल से मान के चले तो 30 दिन, क्योंकि अगर 24 के पहले आप देखें तो आने जाने में ही आपका 1 से 2 दिन तो तैयारी में ही लगेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि 120 नंबर का पेपर है तो टारगेट हम कितना रखें। देखिए, टारगेट और कितना स्कोर जाएगा ये किसी को पता नहीं है, बट आपको अपना टारगेट हमेशा ज्यादा रखना है। मान लीजिए 120 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने अपना टारगेट 80 रखा होगा, 90 रखा होगा, कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि 100 रखते हैं, क्योंकि टारगेट आप जितना ज्यादा रखेंगे, जरूरी नहीं है ना कि आपने 100 रखा तो 100 ही आएंगे, 100 से थोड़ा कम आता है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा रखिए, और वहां तक आप पहुंचने के लिए PYQ या फिर मॉक टेस्ट करते रहिए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इस स्ट्रेटेजी से पहले। देखिए, ये एग्जाम जो है ना आपका वो बीपीएससी करा रही है, और जो आपका एग्जाम का जो सिलेबस है प्लस साथ में 5 ऑप्शंस, ये सब कुछ बीपीएससी की ही तरह है। तो अगर आप इसमें एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स बिहार में कंडक्ट कराए हैं उन सभी एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना है। देखिए, इस प्रीवियस ईयर पेपर करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि इसमें आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, साथ में आप इनका एक रियल पैटर्न देख पाएंगे, रियल क्वेश्चंस से आप डील कर पाएंगे। बिकॉज मॉक टेस्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो बनाकर देते हैं, अगर आप कहीं पर दे भी रहे हैं तो वहां पर तो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बट अगर आपने रियल बीपीएससी के जो क्वेश्चंस को कर लिए एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर पेपर के द्वारा, वो भी 5 ऑप्शंस के साथ, तो वहां से क्वेश्चंस फंसते हैं। और ये हुआ भी है, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना उतना आसान नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पुराने पेपर से ही क्वेश्चंस उठा भी लेते हैं, बस उसको मोल्ड कर देते हैं, मतलब लैंग्वेज उसका चेंज कर देते हैं। रही बात जीएस की, तो देखिए आपको पता है कि इसमें जीएस काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस का पोर्शन काफी आप जानते ही हैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ जीएस में ही तो है। करंट अफेयर हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, तो जीएस में आप जानते हैं कि बीपीएससी के 150 क्वेश्चंस, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है। इस 150 में आपका बिहार स्पेशल भी आ जाएगा, इसमें आपका जीके, हिस्ट्री, सब कुछ आ जाएगा। तो आप बीपीएससी के पेपर्स को करिए, 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 150 क्वेश्चंस में से आप देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और जो आपका गलत होता है उसको कॉपी में नोट करते जाइए। यहां से आपको क्वेश्चंस भी पता चलेगा, साथ में आपके पैटर्न भी क्लियर होते जाएंगे। मतलब कि जैसे कि आपने अभी कांग्रेस का अगर पढ़ाई, कांग्रेस आपने पढ़ा होगा कि कहां पर कितने अधिवेशन हुए हैं, तो इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके सारे अधिवेशन वाले जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो बीपीएससी ने पेपर कराया है उसमें अधिवेशन हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, उसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो कहीं से भी आप ले सकते हो, या फिर मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया है, उसकी मदद से आप जो है आराम से प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अपना कंपेयर कर सकते हो, साथ में एनालिसिस भी, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बिहार का जो एग्जाम है बीपीएससी शिक्षक बहाली 24 से 27 के बीच में है, उसमें जीएस का जो भी पोर्शन है वो आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से ही देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक के पास प्रो से सारे पीवाईक्यू को डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से करके अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सीट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो भी बीपीएससी का ही पीवाईक्यू। अभी तक जितने भी बीपीएससी ने पेपर कराए हैं ना, सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इस पे जो है ऑफर चल रहा है और आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आप पास लेते हैं तो 314 का पड़ेगा, पास प्रो लेते हैं तो आपको 449 का पड़ेगा। उसके लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना है। पास में आपको केवल मॉक टेस्ट मिलेंगे, बट पास प्रो में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो। सारी फैसिलिटी लेने के लिए आज ही अभी डाउनलोड करके आप जल्दी से परचेज कर लो, क्योंकि कल से ही फिर से महंगा हो जाएगा। तो देखिए 30 दिन के अंदर सबसे पहला काम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है। हर दिन आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर करना है और 2 घंटे के अंदर, क्योंकि 2 घंटे का समय मिलेगा और जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, मान लीजिए आपको 120 में से 180 क्वेश्चंस आ रहा है तो आप 80 ही करना, तुक्का मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब 4 क्वेश्चन जैसे ही गलत होंगे आपका एक सही वाला अंक कट जाएगा, इसलिए पहले करो जितना आपको कंफर्म है उतने क्वेश्चंस करिए, उसके बाद से 4-5 क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा सकते हो वहां पर भी एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो ये हो गया। अब 30 दिन की स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा जो पोर्शन है उस पर ध्यान देना है। देखिए हिंदी इंग्लिश, हिंदी आपका 75 और इंग्लिश भी आपका 25, टोटल 100 नंबर का पेपर है, इसमें 30 नंबर लेकर आना है। तो ये एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना, क्योंकि देखिए हिंदी आपका 75 नंबर का है तो यहीं से आप 30 नंबर लेकर आ सकते हैं। और अगर किसी का इंग्लिश वीक है, अगर आप 0 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो भी आपको फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ये तो सभी को पता है। अब मेन यहां से स्टार्ट होता है जहां से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका मैथ रीजनिंग भी है। अब बहुत से लोगों को मैथ से डर लगेगा और रीजनिंग तो सभी को आती ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस किया होगा। बट अभी आपको फिलहाल जो है सबसे पहले ज्योग्राफी में आपको कौन सी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, तो वो आपको करनी है इंडियन वाली। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर किए होंगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। साथ में आप बिहार के भी देख लेना, बिहार के आसपास में कौन से जिले हैं, कितने जिलों के साथ जो है वो दूसरे राज्यों से साझा करता है अपना बॉर्डर, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी होगी। और हिस्ट्री में आप अभी फिलहाल मॉडर्न अगर आपने पूरा खत्म कर लिया है देन आप एंशिएंट करो, क्योंकि वैसे एक बात बताऊं तो बीपीएससी का अगर आपने पैटर्न चेक किया होगा तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बना है, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन से। कांग्रेस के अधिवेशन से इतने क्वेश्चन बने हैं ना, अगर आप एक बार पेपर सॉल्व करेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और साइंस में आपको बायोलॉजी को पहले खत्म करना है, क्योंकि 30 दिन में है, आप ज्यादा तो पढ़ भी नहीं सकते हो, तो जहां से सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा आप उसे करिए। बीपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि वो सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से, साइंस में बायोलॉजी से और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है। और करेंट अफेयर आपका वही 10 से 15 नंबर का आएगा, तो अगर आपके पास समय है तो आप स्पीडी की बुक से भी कवर कर सकते हो। रही बात रीजनिंग तो आएगी ही 15 नंबर की, और आई थिंक मैथ भी आपका 15 नंबर का आएगा। तो जिसका मैथ अच्छा है वो तो मैथ पढ़ेगा नहीं, बट हाँ अगर आपका मैथ वीक है तो आप हर दिन अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लिया बिहार का और वहां से अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वहां से आपके ये चांस है कि इस जैसा पैटर्न होता है, मैथ में रट्टा तो लगाना नहीं है, आपको एक बार पैटर्न समझना है, फॉर्मूलाज को याद करने हैं और देन उस पर सॉल्व कर देना है। तो इससे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने टारगेट अपना 80 रखा है या फिर 90 रखा है और आपके पास समय भी ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहले आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री साइंस और मैथ रीजनिंग इनको करिए, और इसमें आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कि आपके क्वेश्चन सही हो, क्योंकि अगर आपने यहीं पर गलती कर दी तो आप भी जानते हैं करंट अफेयर में तो पता नहीं क्या पूछ देता है, करंट अफेयर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। और अगर स्विफ्ट में पेपर होगा तो इनको क्वेश्चंस भी ज्यादा बनाने होंगे, ठीक है। तो ये आपका 30 दिन का है, इस 30 दिन के अंदर आपको हर दिन प्रीवियस पेपर करना है, पीवाईक्यू बीपीएससी ने जो कराया है, और बाकी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस में आपका बायोलॉजी मैथ एंड रीजनिंग। मैथ रीजनिंग को आप 1-1 घंटा दे सकते हो, बट मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी और बायोलॉजी ये 3 तो आपको करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट होते हैं जो साइंस नहीं पढ़े होते हैं तो फिर वो बायोलॉजी से बहुत भागते हैं। वहीं पे जो हिस्ट्री है जिसमें बहुत सारे आपको नंबर्स याद करना है तो आप इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही, और इसमें तो एग्जैक्ट डेट पूछता है कि 1922 में का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, या फिर आपसे पूछ देगा कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो ऐसे डेट पूछे जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बीपीएससी के ही पेपर से बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।